अनमोल न्यूज 24 खबरों की नई उमंग। भेंट मुलाकात के अंतर्गत बिलासपुर विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर विधानसभा के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण एवं छत्तीसगढ़ के राजगीत के साथ कार्यक्रम में जनता से संवाद शुरू किया। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जिला की ओर हमारे सरकारी मुख्यालय नए रानी और इसमें आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हमारे सरकारी अग्रवाल जी उपस्थित है, जो सभी राजा के स्वागत है। इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अभी तक के सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, उस संभाग में दो विधानसभा बचे, रायपुर में एक बचा। बिलासपुर संभाग में अब केवल जैसी का क्षेत्र और बगल रामपुर इधर ये बचे हैं और एक अकलतरा बचा था। तो गड़ी रहनी चाहिए था विधानसभा अध्यक्ष साहब, तो वैसे अब लगभग 80 से ऊपर विधानसभा हम लोग पूरा कर चुके हैं। और इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो योजनाएं शासन की ओर से बनती है, विधानसभा में लोग जो पारित करते हैं, मंत्रालय में बैठ के हमारे अधिकारीगण आदेश निकालते हैं और वो सही मायने में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, वहां के निवासियों को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ी योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी बनती है, लेकिन क्या सही क्रियान्वयन होगा ये देखने के लिए भेंट मुलाकात था। पिछले 4 मई से हम लोग निकले थे, अब वो 4 मई 1 साल पूरा हो गया, आज 13 तारीख और 7 दिन जुट गया, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम, सीधा जनता से संवाद, महिलाओं से, बच्चों से, नौजवान से, किसान से, मजदूर से, व्यापारियों से, सबसे मुलाकात और फिर समाज के लोगों से मुलाकात हम लोग करते हैं। अब जब बिलासपुर आया हूँ तो निश्चित रूप से कुछ देख रहा हूँ, तो अभी इंदिरा वाला मंदिर बैठे हैं तो वहां स्वामी आत्मानंद जी इसको मुंह खोले जाएगी अगर घोषणा करा था, जोरा पारा तालाब के सौंदर्यीकरण किए जाएंगे घोषणा, और अरपा नदी किनारे नाली निर्माण कराए जाए, पंडित देवतीनंदन दीक्षित सभा भवन का उन्नयन और नवीनीकरण कराया जाए, एकर घोषणा, गांव महाल स्थित बैठक सभा कक्ष का निर्माण कराया जाए, एकर घोषणा, बसंत बिहार में नवीन विद्युत क्षेत्र जोन का सृजन किया जाएगा, बिलासपुर के वैकल्पिक प्रवेश मार्ग यदुनंदन नगर पिपरा सब्जी बाजार से भू अमरी रेलवे क्रॉसिंग होते हुए गौरव पथ बिलासपुर तक मार्ग चौड़ीकरण मजबूतीकरण इंदौरीकरण कराया जाए, एकर घोषणा, राजा रघुराज स्टेडियम में क्लब लाइट की व्यवस्था की जाए। अभी जब मंत्री जी कहा थे तो वहां करीब 1200 सीटर की कोनी में अभी बना थे, 22 करोड़ के बना निर्माण में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला पर तिलक नगर का जीर्णोद्धार और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जिला मुजफ्फरपुर कार्यालय की मरम्मत कराई जाए, एकर घोषणा, तो लगातार बिलासपुर के विकास पर निरंतर काम कर रहा था और बहुत जन साथी में है, अपन बात के है बहुत जन कागजन आ गए, निश्चित रूप से वो विभागों में
कार्रवाई हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज 24। अनमोल न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें।